निदेशक एनसीसी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ मेजर जनरल संजय शर्मा ने एमपीकैन मध्य प्रदेश बटालियन उज्जैन का दौरा कर 1 फरवरी को पदभार संभाला। अतिरिक्त महानिदेशक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मेजर जनरल संजय शर्मा ने 1 फरवरी को पदभार संभालने के बाद मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन उज्जैन का निरीक्षण किया। उनके आगमन पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, बीएसएम कर्नल अरुणाभा कुंडू ऑफिसर 10 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी ने अतिरिक्त महानिदेशक का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स की गार्ड्स द्वारा मेजर जनरल को सलामी दी गई। कर्नल अरुणाभा कुंडी ने बटालियन द्वारा समस्त एनसीसी की गतिविधियों की जानकारी दी। ब्रीफिंग के बाद मेजर जनरल संजय शर्मा ने बटालियन का निरीक्षण भी किया। मैं 1 फरवरी 2020 को एडिशनल डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है। इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले इंदौर ग्रुप की 10 एमपी एनसीसी का यूनिट का दौरा किया। इस दौरान उनको एनसीसी के छात्रों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और यहाँ पर उनको समस्त अधिकारियों, सिविल स्टाफ और कैडेट्स जो कि विशेष तौर से जो आरडीसी, पीएससी और शूटिंग के अंदर भाग लिया और उन्होंने मेडल हासिल किया, उनसे मिलवाया गया। ब्रीफिंग एनसीसी की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने हमारे इस सारे काम को बहुत सराहा है और हमें शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही ये भी कहा है कि आपका जो स्टाफ है और जो आपके एनसीसी कैडेट्स हैं जो इतने जोश और हर्षोल्लास के सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। और उन्होंने आशा प्रकट करी है कि आगे भी आने वाले समय में इसी तरह की गतिविधियों में जोश से काम किया जाएगा। आज हमारे एनसीसी बटालियन पर एडीजी संजय शर्मा विजिट कर रहे थे। उसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे पायलटिंग की, गार्ड ऑफ ऑनर की। उन लोग ने पूरी बटालियन का आज दौरा किया सब जगह। काफ़ी सारे कैडेट से उन लोग ने बातचीत भी करी, काफ़ी सारे एनओ से, पीआई स्टाफ से, सिविल स्टाफ से, सभी से दिए गए उनके साथ। और क्या क्या सुझाव दिए गए आपको एग्ज़ाम को लेकर? उन लोग ने छात्राओं को या कैडेट्स को, सभी को काफ़ी सारे एडवाइस दिए। जैसे हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करा आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, और बोला कि और एग्ज़ाम में बोला कि कूल रहें थोड़ा, मतलब काम बना के रखें अपना और अच्छा न्यूट्रिशन। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।